मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूं, और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1966 के बाद हरियाणा विधानसभा के प्रवेश द्वार पर बाबा साहब की प्रतिमा आपने स्थापित की और हमारे कार्यकाल में की, इस बात के लिए हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, बहुत ज्यादा तो मैंने अभिभाषण नहीं पढ़ा, लेकिन एक दो लाइन जहां भी निगाह पड़ी वहां बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मिली। कोरोना के दौरान एक विषय आया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। मैं आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हर वर्ग के बच्चों के लिए 8 लाख से ज्यादा मुफ्त टैबलेट देने का निर्णय लिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज गरीबों के बच्चे भी, बहन जी आप पे भी आ रहा हूं, थोड़ा सा आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे हम सीख रहे हैं, जैसा आप बोले हमें भी बोलने दीजिए, हम सीख रहे हैं आपसे, आप पे भी आ रहा हूं। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे गांव के अंदर जब 2-2 किलोमीटर से पानी भर के लाती थी हमारी माँ, वो एक समय था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बात को समझा और पूरे देश के अंदर 2024 तक प्रत्येक घर में नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा। हमारी सरकार ने 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर में नलकूप लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा सरकार का, जिन्होंने एक नई पहल करके और केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसका प्रोजेक्ट 5618 करोड़ के लगभग उसका मंजूर किया। माननीय स्पीकर महोदय, हरियाणा सरकार के प्रयास से रेवाड़ी और गुरुग्राम के बीच में जो कनेक्टिविटी थी उसको नेशनल हाईवे बनाने का काम और उस काम को श्रेय चढ़ाने का श्रेय जमीन इक्वायर करने का काम और उस रोड को बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार ने किया, उसको शुभारंभ करने का काम किया, मैं धन्यवाद करता हूं। आज से पहले पटौदी विधानसभा क्षेत्र के मानेसर को चंद लोगों ने लूटने का काम किया था। पूरे देश के अंदर एक तरफ जहां मानेसर का नाम उद्योग की दृष्टि से नंबर 1 था, उस मानेसर को लूटने के नाम पे भी बदनाम किया गया था। और जिस तरह जिसके हाथ लगा, चाहे प्रॉपर्टी में लूटा, चाहे इंडस्ट्री में लूटा, जमकर लूटा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल की मेहर हुई और मानेसर को निगम बनाकर विश्व के अंदर उसको चमकाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कोरोना के दौरान बेरोजगारी निश्चित तौर पर बढ़ी, समस्या हुई, हर वर्ग को तकलीफ भी हुई, लेकिन उस परिस्थिति में भी उभारने के लिए एमएसएमई में बड़े बदलाव किए गए। जहां एक तरफ मात्र 10 लाख रुपए माइक्रो यूनिट के होते थे, उसको 1 करोड़ करने का काम किया। और इतना ही नहीं, 2014 तक मात्र 25,000 रुपए ऋण एक किसान को या व्यापारी को बगैर कोलेट्रल की सिक्योरिटी के मिलता था, हमारी सरकार ने उसको 2 करोड़ देने का काम किया, ताकि बेरोजगार अपना इंडस्ट्री लगा सके, आत्मनिर्भर बन सके।
माने स्पीकर महोदय, हमारी बहन जी गुरु रविदास जी का एक दोहा पढ़ रही थी। अगर वास्तव में बहन जी आप चाहते हैं कि वैसा राज हो जैसा कबीर साहब ने, गुरु रविदास जी ने चाहा, बाबा साहब अंबेडकर ने चाहा, तो बहन जी इधर आ जाइए। वहां तो बाबा साहब की इज्जत ना हुई, जगजीवन राम की इज्जत ना हुई, और ज्यादा ना कहे तो बहन जी आपके अशोक तंवर की भी इज्जत नहीं हुई। यहां आइए, आपको मिलेगा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को किस तरह से ऊपर उठाया जाता है। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब हमारी मातृशक्ति इंतजार करती थी कि कब अंधेरा हो और हम सोच के लिए जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझा। एक कितनी ही बीमारियां अनगिनत पेट में होती थी, इस समस्या के कारण आज हर घर में शौचालय बनाने का काम किया, फूकनी लगाने का काम। बहन जी जब चूल्हे के अंदर फूकनी से धुआं मारी जाती थी, आंखें खराब होती थी, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने बैठ के सामने रोटी खाई। और आपके यहां एमपी एमएलए से, एमपी एमएलए की चिट से गैस कनेक्शन मिले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला के तहत प्रत्येक घर के अंदर गैस देने का काम किया। धन्यवाद द्रावता जी। नहीं, एक एक मिनट, बस एक मिनट, क्योंकि बात पहली बार थोड़ा सा गुणगान नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसानों के लिए बहुत, सबने बहुत कहा, 2000 रुपए के भी कहा, और निश्चित तौर पर हम किसानी नहीं, किसानों के मजदूर भी हैं। 16 लाख हरियाणा में किसान हैं, तो 32 लाख भूमिहीन के खेतीहर मजदूर हैं। आज बीपीएल परिवार को भी मिलता है, इंडस्ट्री के लेबर को भी मिलता है, जो कंस्ट्रक्शन में चढ़े हुए उनके लेबर को भी रजिस्ट्रेशन, उनको सुविधाएं मिलती है, लेकिन जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है। धन्यवाद द्रावता जी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, अपने क्षेत्र की मांग, क्षेत्र की मांग सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे पटौती के अंदर बिलासपुर से कुलाना एक रोड, उसको माननीय डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, उसको 4 लेन बढ़ाने का आग्रह किया जाता है, कोई जमीन भी इक्वायर उसमें नहीं करनी। फरुखनगर और मानेसर दोनों जगह प्रेशर है, पब्लिक का बहुत ज्यादा वहां पर आवागमन रहता है, इसलिए फरुखनगर को और मानेसर को सब डिवीजन बढ़ाने का मेरा निवेदन है। बाकी मांगे आहिस्ता आहिस्ता आप सिखाते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे।